कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। रोज आने वाले मामलों और मौत की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,906 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन कोरोना से 2,020 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब तक कोरोना से 410,784 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले दिन 49,007 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। इसी के साथ रिकवरी रेट 97.22% पर पहुंच गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 17,40,325 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 43,40,58,138 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में टीकाकरण की क्या स्थिति है? बता दें कि देश में अब तक कोरोना वायरस वैक्सीन के 38,14,67,646 से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। वहीं कल वैक्सीन की 40,65,862 डोज दी गई हैं। अब तक 30,66,12,781 लोगों को पहली डोज और 7,48,54,865 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। देश में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 11,41,34,915 लोगों को पहली खुराक और 38,88,828 को दूसरी खुराक लगी है। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 8 राज्यों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में 50 लाख से अधिक लोगों को पहली खुराक दी गई है। वहीं नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले मंगलवार को 15 नए मामले सामने आए, बुधवार को 12 नए मामले, गुरुवार को 5 नए मामले, शुक्रवार को 10 नए मामले, शनिवार को 8 नए मामले, रविवार को 5 नए मामले, सोमवार को 12 नए मामले और मंगलवार को 19 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 78,040 से 78,059 हो गई है। नए स्ट्रेन के कुल मामलों में रिकवरी लगभग 70% के करीब है और लगातार नए स्ट्रेन के मामलों में भारी कमी देखी जा रही है, जो कि राहत की बात है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।